नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पिछले तीन दिनों से जब से यह पता चला है, जब से श्रद्धा वालकर मर्डर केस का खुलासा हुआ है, तब से देश भर में आक्रोश बढ़ते चला जा रहा है। और ये कहानी, ये घटना भी ऐसी है कि दिल को दहला देने वाली है। जहां कहानी की शुरुआत होती है एक युवती और युवक के प्रेम प्रसंग से, और उसका अंत होता है उस युवती के कत्ल, और वो भी निर्मम तरीके से कत्ल, जिसमें युवती के शरीर के 35 टुकड़े करके उसको ठिकाने लगाया जाता है। इस मामले का जब से खुलासा हुआ है देश भर में आक्रोश है, और कहीं न कहीं आरोपी जो है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में वसई अंतर्गत वसई की शिवसेना महिला आघाड़ी, जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप की है, उन्होंने एक आक्रोश मोर्चा निकालते हुए इस आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग करते हुए इसको फांसी की सजा सुनाने की मांग की। हम सभी जानते हैं जब से यह मामला खुला है तब से काफी गहमा गहमी देश भर में देखी जा रही है, और लोगों में आक्रोश है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के अपराध बर्दाश्त के बाहर है। इस तरह के अपराध को बढ़ावा देना कतई सही नहीं है। इस मामले में वसई पुलिस की कामगिरी काफी बेहतरीन रही है, और साथ में दिल्ली पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहा है, तो एक मामला खुला है। अब मामले में एक ही इस समय मांग है कि आरोपी को किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। तो देखिए आगे वीडियो में वसई की महिला आघाड़ी द्वारा जो निषेध मोर्चा किया गया उसकी फुटेज। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। कि उसको फांसी मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, ये बात को ना डिले करते हुए, नहीं तो कोई और पॉलिटिकली इसको सपोर्ट करेगा और ये बात को आगे आगे बढ़ाता रहेगा। तो ऐसा ना होते ही प्लीज इसको जल्दी से जल्दी फांसी दीजिए, जिससे और हमारी महिला आघाड़ी ही नहीं, पूरे देश की जो औरतें हैं सबको एक समाधान मिले, क्या उसको फांसी मिले, और ऐसा कोई आगे से ऐसा काम ना करे, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप बताइए मैडम, आपका जो है पूनावाला, उसको फांसी तो मिलनी चाहिए, सरेआम उसको फांसी देनी चाहिए। उसी के साथ साथ ये जो सोशल माध्यम है, सोशल मीडिया है, उसमें जो ये ऐप चलते हैं, जिस ऐप के बहाने सारे जो हमारे यंगस्टर हैं वो एक गलत तरीके अपना रहे हैं, गलत विचार, गलत संस्कृति अपना रहे, उनके ऊपर भी बंदी लानी चाहिए। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।